बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊँगा, तो आप इन 10ों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें वो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपसे जूलॉजी पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं जल्दी से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ तैयार करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। साइक्लोसिस क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल क्या होती है, फूड वैक्यूल क्या होती है, कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल का नंबर कितना होता है, ये किस काम से एसोसिएटेड है। पैरामीशियम का लोकोमोशन बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। पैरामीशियम में सीलिया कितनी बार बीट करता है पर मिनट, सीलिया में कैसे इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक होते हैं इसको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है फाइलम प्रोटोजोआ से ही पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन में, तो पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन से आपसे पूछा जाएगा बाइनरी फिजन, ऑटोगैमी, कॉन्जुगेशन। तो आप बाइनरी फिजन, ऑटोगैमी और कॉन्जुगेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये कौन कौन से पैरामीशियम की स्पीसीज में कौन कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और साथ साथ आप पैरामीशियम के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम काउडेटम में माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस होता है, तो पैरामीशियम काउडेटम में माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस का जो फंक्शन है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और साथ ही साथ पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल क्या होता है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। कप्पा पार्टिकल आपको पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन प्रोसेस में मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस। ये भी एक प्रोटोजोआ का एनिमल है, तो आप मोनोसिस्टिस के स्ट्रक्चर को, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को, खासतौर पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे और उसकी लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है फाइलम पोरीफेरा का। तो फाइलम पोरीफेरा का जो जनरल कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, जनरल कैरेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कैनाल सिस्टम पढ़ लेंगे, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम विद एग्जाम्पल आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स का बॉडी वॉल होता है, उस बॉडी वॉल की कितनी लेयर्स होती हैं, उनके नाम क्या हैं, बॉडी वॉल के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेल्स पाई जाती हैं, उनके फंक्शन क्या है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। फाइलम पोरीफेरा के बॉडी वॉल की जो लेयर्स हैं उनमें मौजूद जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं आप अपने नोट से देखिए उसको, और उन इंपॉर्टेंट सेल्स के फंक्शन क्या है, उनके नाम क्या है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ आप साइकॉन के रिप्रोडक्शन को तैयार करेंगे, रिप्रोडक्शन में खासतौर पर जेम्यूल क्या होता है इसको बहुत अच्छे से, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना जेम्यूल, तो आप जेम्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। और साथ साथ साइकॉन का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत डीपली पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन किया जाता है स्पंजेस में यानी साइकॉन में, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है फाइलम सीलेंट्रेटा से। फाइलम सीलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ आप फाइलम सीलेंट्रेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, खासतौर पे पॉलिप और मेड्यूसा क्या होता है, निमेटोसिस्ट क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आप सीलेंट्रेट में, जैसे आपके कोर्स में ऑरिलिया और ओबिलिया है, तो आप ऑरिलिया का रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। लाइफ साइकिल में आप उसके लार्वल स्टेजेस, जैसे कि एफायरा लार्वा, प्लेनुला लार्वा, ये सब लार्वा ऑरिलिया की लाइफ साइकिल में बनते हैं, तो इन सब को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ओवरऑल आप पूरा लाइफ साइकिल प्रिपेयर कर लेंगे ऑरिलिया की। इसके अलावा स्ट्रॉबिलेशन क्या होता है इसको भी बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस का जनरल कैरेक्टर। तो आप जनरल कैरेक्टर फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस, यानी जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, फ्लैट वॉर्म, उनका जनरल कैरेक्टर आप पढ़ लेंगे, उनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। जैसे आपके कोर्स में फैशियोला यानी लीवर फ्लूक है, तो आप लीवर फ्लू की लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं स्टूडेंट्स। फैशियोला यानी लीवर फ्लू की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, उसमें कितने होस्ट होते हैं, फैशियोला की लाइफ साइकिल में कितने होस्ट होते हैं आपको पता है ना, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, तो इसके अंदर 2 होस्ट होते हैं, आप पता कर लीजिएगा कौन कौन है वो। इसके अलावा आप लार्वल स्टेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लीवर फ्लूक या फैशियोला की लाइफ साइकिल में जो लार्वा बनता है, जैसे मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस लार्वा, सरकारिया लार्वा, मेटासरकारिया लार्वा, ये जितने भी लार्वा बनते हैं, इन सब का
सीरियल वाइज इनका डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन बनता है, उसके बाद कौन बनता है, कौन सा लार्वा किस होस्ट के अंदर बनता है, कौन से लार्वा से किस होस्ट को इन्फेक्शन होता है, बहुत अच्छे से आप फैशियोला की लाइफ साइकिल में उसके हर एक लार्वल स्टेज को पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएंगे। लीवर रॉट क्या होता है, लीवर रॉट एक बीमारी है ना, तो लीवर रॉट डिजीज़ जो होती है वो किस में होती है, भेड़ में होती है, शीप में होती है और दूसरे कैटल्स में होती है, कौन कॉज करता है पढ़ लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज में एक और एनिमल है टीनिया, तो टीनिया क्या है, टीनिया का जनरल क्लासिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, उसके हेड को स्कॉलेक्स को पढ़ लीजिएगा, हुक्स क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रोग्लॉटिड यानी उसके बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं उनके नंबर पढ़ लीजिएगा, मेच्योर प्रोग्लॉटिड क्या होता है यानी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड क्या होता है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टीनिया जो है उसके होस्ट कौन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टीनिया की लाइफ साइकिल को भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और टीनिया से कौन सी डिजीज़ होती है हम ह्यूमंस में उस डिजीज़ का नाम भी पता कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एंसाइलोस्टोमा यानी हुकवाम, तो यह भी आपसे पूछा जाएगा हुकवाम, हुकवाम यानी एंसाइलोस्टोमा जो है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, इसकी क्लास पढ़ लीजिएगा और इसका रिप्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हुकवाम के रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा और हुकवाम कैसे डिजीज़ कॉज करता है, कैसे बॉडी में इंट्री करता है, इसको भी आप बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके जाइएगा, आपकी नोट्स में होगा, अगर आपकी नोट्स में नहीं है तो आप बुक्स इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पक्का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है जनरल कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फाइलम टीनोफोरा, स्टूडेंट्स ये एक बहुत छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा, तो इसमें कोई एनिमल्स तो आपको नहीं पढ़ना है, पर आप खास तौर पे इसके जनरल कैरेक्टर को पढ़ लीजिएगा और फाइलम टीनोफोरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जैसे कॉम्ब लाइक इसमें जो है प्लेट लाइक या कॉम्ब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, फाइलम टीनोफोरा के कुछ एनिमल्स को आप उनके नाम याद कर लीजिएगा, फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं टीनोफोरा के उनके नाम आप पढ़ लीजिएगा, और ये जो कॉम्ब प्लेट पाया जाता है यानी कॉम्ब शेप का जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है इसको भी आप देख लीजिएगा, यानी यही सब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पर यही क्वेश्चन आएगा पक्का एक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पे है वो है स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना, स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूग्लिना फाइलम प्रोटोजोआ का एक एनिमल है ना, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये हेटरोट्रॉफ भी होता है, लाइट में जाता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, जब डार्क में आता है तो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, एनिमल्स की लाइक न्यूट्रिशन करता है, तो इसका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यूग्लिना के न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, यूग्लिना का स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिएगा, यूग्लिना में कैसे ऑस्मोरेगुलेशन होता है, यूग्लिना में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे पाई जाती है, सीलिया पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, यूग्लिना का फूड क्या है, यूग्लिना रिप्रोडक्शन कैसे करता है एसेक्सुअली, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइएगा, यूग्लिना का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए यूग्लिना का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्लासिफिकेशन को इसके क्लास ऑर्डर इसको बहुत अच्छे से रट के जाइएगा, यूग्लिना के क्लासिफिकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे वो है लाइफ साइकिल एंड मेटाजेनेसिस ऑफ ओबिलिया, ओबिलिया को ही सीफर भी कहा जाता है, पिछली बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सीफर किसको कहते हैं, तो ओबिलिया को कहते हैं, याद रखेंगे इस बात को, ओबिलिया का लाइफ साइकिल आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और ओबिलिया की मेटाजेनेसिस यानी उसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, इस तरह से जो उसकी लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ना, इसी को तो मेटाजेनेसिस कहते हैं, तो मेटाजेनेसिस यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो ओबिलिया का है उसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ओबिलिया से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो उसकी लाइफ साइकिल और उसके मेटाजेनेसिस से ही पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए इन 10 क्वेश्चंस में, जो जो मैंने एनिमल्स आपको बताए
उन सारे एनिमल्स का अगर कोई निक नेम है, कोई कॉमन नेम है, कोई सेकेंडरी नेम है, उनके होस्ट हैं, अगर उनका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे।